स्वागत है दोस्तों आपका मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश वीडियो में। मेरा नाम है नीरव एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडोस्कोपी के बारे में। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। ज्यादातर लोगों ने एंडोस्कोपी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि एंडोस्कोपी में ऐसा क्या होता है जिससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि जीआई ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है या नहीं? क्या कभी आपने ये सोचा है कि एंडोस्कोप क्या है? तो यही दो टॉपिक पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडोस्कोपी के बारे में। एंडोस्कोपी क्या है? एंडोस्कोपी एक डायग्नोस्टिक प्रोसेस है जिसमें पता चलता है कि जीआई ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अब यहां पे क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जीआई ट्रैक क्या है। दोस्तों एक सिंपल वर्ड में आप समझ लीजिए, आप कुछ भी खाते हो तो वो जो पात से रूट होता है उस पूरे पात को कहा जाता है जीआई ट्रैक। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, मान लीजिए आपकी हड्डी टूट गई है, उस केस में आप एक्सरे करवाओगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्रैक है या नहीं है, तो कहां है, कितनी बड़ी है, माइनर है, मेजर है, सारी इंफॉर्मेशन जो है एक्सरे से मिल जाएगी। लेकिन अगर जीआई ट्रैक में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो इंफॉर्मेशन एक्सरे से नहीं मिलती है, यूएसजी से भी कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो उस केस में डायग्नोसिस के लिए यूज होती है एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी एक डायग्नोस्टिक प्रोसेस है, वो कोई थेरापेटिक प्रोसेस नहीं है। तो सिर्फ से पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि उसे एंडोस्कोपी क्यों कहा जाता है। दोस्तों ये जो प्रोसीजर है उसमें जो मशीन यूज होता है उसका नाम है एंडोस्कोप, इसलिए इसे कहा जाता है एंडोस्कोपी। तो ये सारी चीज हो गई एंडोस्कोपी के बारे में। अब हम बात करते हैं एंडोस्कोप के बारे में कि एंडोस्कोप क्या है, कैसे वो काम करता है। तो दोस्तों एंडोस्कोप एक सिंगल मशीन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंडोस्कोप से काम चल जाता है, उसे उसके चलने के लिए तीन और मशीन की जरूरत पड़ती है। तो उस सिस्टम को कहा जाता है एंडोस्कोपी टावर, जिसके अंदर टोटल चार मशीन होते हैं। सबसे पहला एंडोस्कोप, उसके बाद आता है एक लाइट सोर्स। लाइट सोर्स में से लाइट जाती है एंडोस्कोप में। एंडोस्कोप में कोई ऐसा सोर्स नहीं होता है जो लाइट जनरेट करता है, बाहर से लाइट ट्रांसमिट की जाती है। एंडोस्कोप के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स चैनल रहते हैं जो लाइट ट्रांसमिट करते हैं। उसके अलावा होता है एक मॉनिटर जिसमें इमेजेस दिखती है, और उसके अलावा होता है एक वीडियो प्रोसेसिंग यूनिट। जो कैमरा होता है एंडोस्कोप में वो सब उसका आउटपुट जाता है वीडियो प्रोसेसिंग यूनिट में, और वहां से मशीन जो है वो एक एंडोस्कोपी टावर में होते हैं। तो अब बात करते हैं एंडोस्कोप के बारे में। दोस्तों एंडोस्कोप जो है उसके डिजिटल टिप पे लगा हुआ था एक कैमरा, वहां से आउटपुट जाता है वीडियो प्रोसेसिंग यूनिट में, और वहां से प्रोसेस होकर डिस्प्ले पे दिखता है। वो कैमरा बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत ही एचडी इमेज कैप्चर करता है। उसके अलावा वहां पे होते हैं फाइबर ऑप्टिक चैनल्स जहां से लाइट ट्रांसमिट होती है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, एंडोस्कोप के अंदर इंटरनल ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि जो लाइट जनरेट करे। हाँ, उसके अंदर फाइबर ऑप्टिक चैनल्स होते हैं जो एक्सटर्नल लाइट सोर्स है, वहां से जो लाइट मिल रही है उसे ट्रांसमिट करता है ताकि अंदर का जो पाथ है वो क्लियर दिखे। उसके अलावा डिजिटल टिप पे होता है वाटर आउटलेट। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आपको यहां पे ये जो लाल कलर का दिख रहा है, मान लीजिए ये कैमरा है, ठीक है। अब वो जो वाटर आउटलेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा ताकि पानी सीधा कैमरे पे जाए। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा वहां पे वाटर आउटलेट क्यों होता है। तो दोस्तों जब एंडोस्कोप को बॉडी में इंसर्ट किया जाता है तो बॉडी में काफी सारे फ्लूइड होते हैं, उसकी वजह से जो विजन होता है वो ब्लर हो सकता है। तो उसे क्लियर करने के लिए वहां पे वो वाटर आउटलेट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो जो पानी निकलेगा सीधा कैमरे पे जाएगा, वो सामने पाथ क्लियर करने के लिए नहीं है, वो कैमरा जो होता है उसका विजन जो है उसे क्लियर करने के लिए होता है। उसके अलावा दोस्तों वहां पे होती है एक बायोप्सी चैनल। अब कुछ मेजर, अगर मान लीजिए कुछ सस्पेक्टिव चीज है तो उसमें से टिश्यू का पीस बाहर लेने के लिए एक चैनल होती है, वो एक सिंपल होल समझ लीजिए जहां से बाहर से एक बायोप्सी चैनल जो है वो इंसर्ट की जाती है, और फिर एक ग्रैप्स करके टिश्यू का पीस जो है वो बाहर ले लिया जाता है। तो ये जो है एंडोस्कोप की पूरी सिस्टम हो गई। वहां पे एक कैमरा होता है, लाइट सोर्स के लिए आउटलेट होता है जहां से फाइबर ऑप्टिक चैनल से लाइट ट्रांसमिट होती है, उसके अलावा वाटर आउटलेट होता है जो कैमरा जो है उसका विजन क्लियर करता है, और उसके अलावा बायोप्सी। तो इतनी चीज जो है वो डिजिटल टिप पे रहती है। सोचिए उसका डायमीटर सिर्फ इतना होता है, सिर्फ इतना, इतने में सारी चीजें आ जाती है। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, आप एंडोस्कोप को एक क्लोज सिस्टम कह सकते हो जो सारी चीज बाहर देता है लेकिन कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। इसकी वजह से ये जो एंडोस्कोप होता है वो रियूज होता है, सिर्फ बाहर से वो क्लीन होता है। तो दोस्तों ये चीज हो गई एंडोस्कोप के बारे में। अब कुछ बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। ये जो प्रोसीजर होती है उसमें पेशेंट मोस्टली कॉन्शियस होता है। सबसे पहले कुछ माइल्ड मेडिकेशन दी जाती है ताकि पेशेंट को इतना डिसकम्फर्ट फील ना हो, क्योंकि मैंने जैसे ही आपको पहले बताया उसमें एनेस्थेसिया देके पेशेंट को जो है सुलाया नहीं जाता है, उसमें मोस्टली पेशेंट जो है वो कॉन्शियस रहता है।
तो नॉर्मल मेडिकेशन दी जाती है, उसके बाद माउथ पीस लगाया जाता है। अब यहाँ पे माउथ पीस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफी बार अगर डिस्कम्फर्ट होता है तो बाइट पेशेंट जो है वो एंडोस्कोप को बाइट कर लेते हैं, तो इसीलिए माउथ पीस लगाया जाता है ताकि वो बाइट ना करे, क्योंकि जो एंडोस्कोप है वो बहुत ही कॉस्टली आता है। तो उसके बाद एंडोस्कोप को इंजेक्ट किया जाता है और जो एंडोस्कोप है वो सारी इमेजेस को कैप्चर करता है और यहाँ पे डॉक्टर को लाइव इमेजेस दिखती है। लेकिन आपने देखा होगा कि एंडोस्कोपी करने के बाद आपको एक सीढ़ी मिलती है, वो कहां से मिलती है? दोस्तों एक सपोर्टिव सिस्टम आप कह सकते हो, ये मोबाइल है, अगर मुझे ये मोबाइल की जो स्क्रीन है उसे रिकॉर्ड करनी है तो मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, उसी हिसाब से वो जो डिस्प्ले पे दिख रहा है उसे रिकॉर्ड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जो दूसरे सिस्टम में चलता है, तो वहां से आपको सीढ़ी मिलती है। तो ये हो गई बात एंडोस्कोप के बारे में, एंडोस्कोपी के बारे में। लेकिन दोस्तों ये जो एंडोस्कोपी है बहुत सारे प्रकार की होती है, ब्रोंकोस्कोपी है, गैस्ट्रोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है, जिसमें अलग अलग जगह से स्कोप को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन ये जो नॉर्मल एंडोस्कोपी होती है उसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो कुछ बॉडी पार्ट्स को नहीं देख पाता है, उसके लिए यूज होती है कैप्सूल एंडोस्कोपी, जो बहुत ही कॉस्टली होती है। अगर आप कुछ कोई ऐसे पार्ट में डिजीज है जिसे एंडोस्कोप से, नॉर्मल एंडोस्कोप से नहीं देखा जाता है, तब ये रिफर की जाती है। अब कैप्सूल एंडोस्कोपी क्या है, कैसे काम करती है, उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, एंड एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्कोपी के बारे में। लेकिन ये वीडियो मैंने आपको समझाया कि एंडोस्कोपी क्या है, एंडोस्कोप क्या है, उसमें क्या होता है, एंड एंडोस्कोपी प्रोसीजर के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो ये सारी बात हो गई एंडोस्कोप। पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी सीख सके एंडोस्कोप क्या है एंड एंडोस्कोपी से डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि जीआई ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो अभी शेयर कीजिए वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। ये वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। तो ऐसे ही फ्रेश कंटेंट के साथ जल्दी से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।